नमस्कार, मैं हूं शक्रवार सुमंत और आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24। जनपद गाजीपुर के सेवराई तहसील के गहमर थाना में सोमवार को ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों की शांति समिति की बैठक में इंस्पेक्टर राजू सिंह शांति की अपील कर रहे थे। वहीं बगल में ही बैठे चौकी इंचार्ज खर्राटे भर रहे थे, जिसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये चौकी इंचार्ज सेवराई अपने कर्तव्यों के प्रति कितना संवेदनशील है, इसे आप खुद समझ सकते हैं। इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह श्रावण मास और बकरीद के त्योहार को आपसी भाईचारे और सौहार्द के वातावरण में मनाए जाने की अपील कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने बकरीद पर किसी भी प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी देने से बचने की अपील कर रहे थे। वहीं क्षेत्रीय लोगों को भरोसा दिलाया कि गांवर थाने की पुलिस आप लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहेगी। जानवर है वो कहीं रहते हो, उसमें कोई प्रतिबंधित नहीं कि वहां मत जाइए, उसका है इसका है। सभी प्रधानमंत्री से अनुरोध है, जो मुस्लिम वर्ग है, जो मुस्लिम एरिया है, जहां भी कुर्बानी करें, पहली चीज तो प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी कृपा करके ना करें। दूसरा बिंदु हमारा है कुर्बानी स्थल जहां परंपरागत कुर्बानी होती रही है, कृपा करके कुर्बानी वहीं करें। दूसरा वेस्टेज जो भी वेस्टेज है उसको अपने ग्राम समाज की जगह पे जहां खाली स्थान है कृपा करके वहां खुदवा के घरवा दें। प्रयास ये करें अगर ज्यादा वेस्टेज है उस वेस्टेज को जैसी मशीन से गड्ढा खुदवा दें, जैसे वेस्टेज पड़ जाए उस पर मिट्टी पड़ जाएगा तो कम से कम जानवर उसको लेकर के अन्य जगह नहीं घूमेंगे, रोड पे या जहां पूजा मंदिर स्थान है कहीं नहीं घूमेंगे लेकर के, उससे कोई समस्या नहीं आएगी हमारी। तीसरी बात रही हमारी उस जो नमाज है, किन किन मस्जिदों में नमाज होती है, नमाज में आने वाली समस्या, नमाज में आने वाली अड़चने, दो वक्त से नमाज पढ़ रहे हैं उनकी टाइमिंग की समस्या, ये समस्या किसी ने नहीं बताई। ये बहुत खेद का विषय है, बहुत ही दुख का बात है कि जो जिस बिंदु में हमने आपको विशेष तौर से बुलाया, विशेष तौर से बात कही, उसमें किसी ने इस बिंदु को नहीं उठाया। पानी समस्या मेरी नहीं है, आपको अवगत करा दूं प्रधान जी, उसके लिए एससीएन जेई पीडब्ल्यूडी सिंचाई विभाग और उसके लिए बेलदार होते हैं जो हमसे दोगुना बेहतर लेते हैं, और आज तक कभी आपने देखा भी नहीं होगा उनको कि वो सिंचाई विभाग के बेलदार है कि जेई है कि एससीएन है, आप उनको जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि हम आपके हर दुख सुख में साथ रहते हैं। अच्छी बात है आपने मुझे याद दिलाया, अच्छी पहल है आपने मुझे बताया आपने, लेकिन वो उनका नैतिक दायित्व तो है, आप एक एप्लीकेशन कम से कम डीएम साहब तक पहुंचा दें, साहब यहाँ न कोई एससीएन न कोई जेई न कोई बेलदार न कोई चौकीदार आता है और हमारे किसानों को समस्या होती है, उस समस्या को हम निपटा नहीं पाते हैं। बड़े भाई होने के नाते कि आप कम से कम उस तेल तक पानी किसानों की समस्या हमारी समस्या है, कारण ये कि हम भी एक किसान परिवार से, हमारे भी खेत बाड़ी है, हमारे भी मालूम मुझे दर्द है किसानों का दर्द होता है। इतना कीमत लगने के बाद अब किसान अपने घर में अनाज न पहुंचा पाए वो भी दुख की बात है। हम आपसे अनुरोध करेंगे, बार बार अनुरोध करेंगे, कम से कम जहां लोग दबंग नहर को काट दे रहे हैं मुझे अवगत करा देंगे तो मैं नहर के पानी को आपके सहयोग से आपके प्रयास से उस पानी आगे पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं हमारे पास फोर्स रहे या न रहे, जबकि मेरी फोर्स 3 दिन गई हुई है, उसके बाद भी फोर्स आपको रात में पॉवर्टी वाला आदमी, आपका बेटा, आपका भाई, आपका घर वाला भतीजा आपको दिखता आ रहा है। जब आप घर में सोते हैं तो आपका भाई बेटा भतीजा और रात में वर्दी पहन सीधी मारता रहता है, मिलता रहता है। आप रात 11:30 के बाद और 4 बजे तक देखेंगे तो आपको फोर्स मिलेगी। श्री राम चबूतरा, हनुमान चबूतरा, पब्लिक दर 3 हमारे फिक्स विकेट रहती है हमारे गांव में, और साथ में स्टेशन के पास विधायका आवास रोड मेन रोड पे सीता मोबाइल हमारी 40-30 100 नंबर मोटरसाइकिल और 100 नंबर बोलेरो आपकी सेवा में, और मैं खुद आपकी सेवा में तत्पर रहता हूं। आप रात 2 बजे फोन करेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा बता दे हमको फोन संभालने के लिए मौका नहीं आपका, कोई बता दे हमको। एक पीपी न्यूज 24 के लिए शक्रवार सुमन सिंह की रिपोर्ट। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।